हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीदें हमेशा की तरह बहुत अच्छी होंगी। विंटर सीज़न है, सर्दियों में आप बाल धोते हैं, हेड वॉश करते हैं, तो वो जल्दी ना सूखते नहीं हैं, पूरे दिन गीले रह जाते हैं। या तो पूरे दिन धूप में बैठो, और सर्दियों में इतनी धूप आती नहीं है। अगर आप अपने टॉवल से ड्राई करते हैं तो बाल सिर्फ पानी सूखता है, उससे वेटनेस रह ही जाती है। तो ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है हेयर ड्रायर की। आज हम बात करने वाले हैं नोवा हेयर ड्रायर का, जो एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। नोवा के बहुत सारे हेयर ड्रायर हैं जो अलग अलग प्राइस में है। मैंने ये जो हेयर ड्रायर है ये बहुत ही लो प्राइस में लिया था। इस आप प्राइस सुनेंगे आपको यकीन भी नहीं होगा। तो MRP कुछ है, पर मैंने सेल पर लिया था Amazon से। तो प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट के बारे में आगे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब इंट्रो को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। मेक श्योर आप कोई भी हीटिंग टूल यूज करने से पहले अपने बालों को अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर लें। आप कोई भी हीट प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सीरम यूज कर रही हूँ, और ज़्यादातर मैं सीरम ही यूज़ करती हूँ। मार्केट में और भी बहुत सारी चीज़ें आती है बी ब्लेंड ब्रांड से, हीट प्रोटेक्टर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बात की जाए हेयर ड्रायर की, तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की। बहुत छोटा सा ये हैंडी है। इसकी वायर की लेंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, 2 से 2.25 मीटर की लंबी आपको इसकी वायर मिल जाती है। हेयर ड्रायर का जो नोज़ल है ये 360 पर घूमता है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसे रोटेट कर सकते हैं, जहाँ से हवा निकलती है उस एरिए में। जो वायर लगी हुई है ये 360 एंगल पर घूमती है। अगर आपको अपना हेयर ड्रायर घुमाना भी है ना, तो कई बार होता है कि घूमता नहीं है ना, तो वायर में गांठ बन जाती है, उलझ जाती है वापस में। यहाँ पर आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात है, ये गर्म और ठंडी दोनों हवा देता है। ठंडी हवा से मतलब है नॉर्मल एयर। इसमें दो ही सेटिंग है, एक 1 और 2। 1 पर आप प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल हवा देगा, और 2nd पर हीट। इस हेयर ड्रायर का मॉडल नंबर है NHP 8100, ब्रांड है नोवा। ये आपको ब्लैक कलर में आ जाता है। MRP इसकी 800 समथिंग है, पर सेल पर ये आपको हमेशा 300 से 400 के बीच में मिल जाएगा। मैंने इसे 329 रुपीज़ में लिया था। अभी इसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे है। साथ ही साथ 1200 वाट की मोटर के साथ ये आपको मिल जाता है। मोटर अच्छी है, और दूसरी अच्छी बात इसमें ये है कि एक फोल्डेबल हेयर ड्रायर है। बड़े बड़े हेयर ड्रायर होते हैं ना, उन्हें हैंग करने की या फिर उन्हें रखने की बहुत दिक्कत हो जाती है। आप इसे फोल्ड करेंगे ये और भी छोटा हो जाएगा। साइज़ में ये वैसे ही बहुत छोटा है, आप फोल्ड करने के बाद और छोटा हो जाता है। आप इसे बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।